नमस्कार, जय श्री राम। मैं आचार्य दीपक कौशिक। आज हम आपको बताएंगे कि घर में पूजा कैसे करनी चाहिए और किन देवताओं की हमें घर में पूजा करनी आवश्यक है। कई बार हम देखते हैं, हम खूब पूजा पाठ करते हैं, खूब श्रद्धा भाव से करते हैं, खूब मन से करते हैं, खूब विधि विधान से करते हैं, लेकिन उसका पुण्य हमें सही तरीके से मिल नहीं पाता, हमारा मन अशांत रहता है। लोग घर में सुख शांति समृद्धि के लिए भगवान की तस्वीर व मूर्ति लगाते हैं, मगर क्या आपको पता है, इन्हें रखते समय आपकी थोड़ी सी लापरवाही मुसीबत का कारण बन सकती है। दरअसल वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा स्थान पर ईश्वर की मूर्ति एक से ज्यादा होना एवं इसे इन्हें गलत दिशा में रखना आदि नुकसानदायक हो सकता है। सर्वप्रथम तो हम आपको बताएंगे घर में हमें पूजा किस स्थान पर करनी चाहिए। हमें घर में पूर्व और उत्तर के कॉर्नर की दिशा में जो कमरा हो, जो आपने कक्ष बना रखा हो, वहां पूजा संबंधित आप अपना स्थान बना सकते हैं। ध्यान रखें, पूजा करने वाले का मुख सूर्य उदय हो, उस दिशा में हो। और बात करते हैं हम ऐसे 10 टॉपिक के बारे में, ऐसे 10 मूल मंत्रों के बारे में, जो आपने अगर ध्यान रख लिए तो आपके जीवन में कभी आध्यात्मिक संबंधित कमी नहीं रहेगी, आपको अच्छा पुण्य मिलेगा, आपका मन भी शांत रहेगा, आप अच्छा फल पा सकेंगे भगवान से। नंबर 1, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कभी भी विषम संख्या यानी 3, 5 आदि की मूर्तियां तस्वीर न रखें, इन्हें शास्त्रों में अशुभ माना जाता है, इससे दरिद्रता आती है। भगवान की आप विषम संख्या में प्रतिमा ना लगाएं। अगर आपकी हनुमान जी की एक प्रतिमा है तो उसके 3 एक जैसी प्रतिमा घर में न हो, ये विशेष ध्यान रखिएगा। बेजोड़ अंक, एक फ्रेम के अंदर 3 मूर्तियां न हो, ये भी विशेष ध्यान रखिएगा। टॉपिक नंबर 2, घर में आप हमेशा बजरंगबली बैठे मुद्रा में तस्वीर या प्रतिमा रखें, जहां बजरंगबली विराम अवस्था में बैठे हो, क्योंकि हनुमान जी की खड़ी अवस्था उसके रुद्र रूप को दर्शाती है। आप हनुमान जी बिल्कुल विराम अवस्था में हो तो आपको इससे ज्यादा परिवार में ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी और भगवान बालाजी महाराज का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। मूल मंत्र नंबर 3, घर में माँ दुर्गा की महज एक मूर्ति या एक ही तस्वीर रखें, इसके अलावा दूसरी मूर्ति तस्वीर माँ दुर्गा की न रखें, क्योंकि देवी माँ की एक से ज्यादा मूर्तियां रखना अशुभ माना जाता है, इससे घर में सुख शांति चली जाती है। और एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, दुर्गा माँ की जब शेर पर सवार होकर माँ दुर्गा माँ विराजमान हो तो सिंह का मुख बंद होना चाहिए, शेर का मुख खुला हुआ नहीं हो। मूल मंत्र नंबर 4, पूजा स्थान पर कभी भी माँ लक्ष्मी की खड़ी मूर्तियां तस्वीर न रखें, यह वास्तु का बहुत बड़ा दोष माना जाता है, क्योंकि देवी माँ लक्ष्मी को चंचल माना जाता है और उनकी खड़ी प्रतिमा होने से तुरंत से घर से बाहर चली जाती है। तो आप बैठे अवस्था में लक्ष्मी माँ या कमल पर विराजमान हो तो वैसी प्रतिमा आप घर में लगा सकते हैं, इससे आपको अच्छे पुण्य की प्राप्ति होगी। मूल मंत्र नंबर 5, बहुत से लोग भैरव बाबा को बहुत मानते हैं, काल भैरव है, बटुक काल भैरव है, इसलिए उनकी तस्वीर भी घर में रखते हैं, मगर शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना अशुभ होता है, क्योंकि भैरव जी एक तंत्र देवता है, एक रुद्र अवतार में है, तामसी अवतार में है भैरव जी, तो उनकी गृहस्थ जीवन में पूजा नहीं होनी चाहिए। आप गृहस्थ जीवन में भैरव की पूजा करेंगे तो उससे आपका उनकी उनसे आपको काफी नुकसान भोगना पड़ सकता है, ऐसा गृहस्थ जीवन में बिल्कुल वर्जित है, पूजा न कीजिएगा। अगर आप भैरव जी की आराधना करते हैं तो किसी मंदिर में जाकर पूजा पाठ कीजिए, आपको अच्छा पुण्य मिलेगा, आप मन में प्रतिमा रखिए भैरव जी। मूल मंत्र नंबर 6, घर में कभी भी राधा कृष्ण की मूर्ति अलग अलग नहीं रखते। ये राधा कृष्ण जो है ये बेजोड़ है, इनमें जोड़ नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा, आप इनको अलग नहीं कर सकते, वो हमेशा साथ में ही पूजा पाठ होना आपको अच्छा रहेगा। अगर आप कृष्ण भगवान की अलग से पूजा करना चाहते हैं तो घर में बाल गोपाल या लड्डू गोपाल
उनकी सेवा कीजिए, पूजा कीजिए, एक परिवार के सदस्य की तरह उनकी सेवा भाव से, निस्वार्थ भाव से पूजा पाठ कीजिए, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। मूल मंत्र नंबर 7, भगवान कुबेर और मां लक्ष्मी की मूर्ति उत्तर दिशा के अलावा अन्य किसी भी दिशा में न रखें, क्योंकि ऐसा करने से देवी देवताओं का सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। मां लक्ष्मी की और कुबेर का जो कोना होता है, ये उत्तर दिशा का माना जाता है। कहते हैं इस दिशा में कुबेर का भंडार होता है, आप इस दिशा में कुबेर की मां लक्ष्मी की पूजा कीजिए तो आपको अच्छे पुण्य की प्राप्ति होगी। मूल मंत्र नंबर 8, भगवान शिव के नटराज स्वरूप कभी न रखें, ये भोलेनाथ के रुद्र रूप में दर्शाते हैं। नटराज रूप जो है ये शिव शंकर का सबसे रुद्र रूप है। जब गुस्से में होते हैं शिव भगवान तो नटराज रूप धारण कर लेते हैं। इसे घर में रखने से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो आप इसको घर में न रखें। आप शिवलिंग या छोटे शिवलिंग की पूजा कीजिए। ध्यान रहे, घर में शिवलिंग की पूजा करें तो वह शिवलिंग एक अंगूठे से बड़ा न हो। अंगुष्ठ से बड़ा शिवलिंग घर में श्रेष्ठ नहीं रहता है। आप घर में पूजा कर सकते हैं शिवलिंग की, लेकिन ध्यान रखिए अंगुष्ठ से बड़ा शिवलिंग हो तो उससे आपको काफी नुकसान भोगना पड़ सकता है। मूल मंत्र नंबर 8, बजरंग बली की मूर्ति या तस्वीर को कभी भी शिव जी से ऊंचे स्थान पर न रखें, क्योंकि शिव हनुमान जी के आराध्य थे और उनसे बड़ा दर्जा देना शिव का अपमान होगा, इससे घर में समृद्धि रुक जाती है। आप शिव की प्रतिमा को कभी भी हनुमान जी से नीचे नहीं रख सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव जो है वो हनुमान जी के आराध्य रहे हैं, उनकी प्रतिमा सदा ऊपर है, यानी कि सभी देवताओं से ऊपर भगवान शिव है। आप इनकी अगर पूजा पाठ करते हैं तो हनुमान जी से थोड़ा सा नीचे रखिए, तो इससे आपको अच्छे पुण्य की प्राप्ति होगी। मूल मंत्र नंबर 9, काली माँ की तस्वीर कभी भी काले रंग में न रखिए। आप घर में काली माँ की तस्वीर नीले रंग में लेके आइएगा, जिससे आपके परिवार में अच्छा लाभ मिले। काली माँ की प्रतिमा काले रंग की होने से एक दैत्य रूप में, एक तामसी रूप है माता का वो, तो ध्यान रखिए कभी भी कोई दाम्पत्य जीवन जीने वाला परिवार या किसी परिवार में आप ऐसी पूजा, काली रंग की प्रतिमा की पूजा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, इससे ग्रस्त पूजा बिल्कुल निषेध है। 10 नंबर मूल मंत्र हमारा और बहुत ही जरूरी टॉपिक है, देवी देवताओं की मूर्ति कभी भी सिंहासन खाली नहीं हो उनका। आप कभी भी देवी देवताओं की मूर्ति अगर स्थापित करते हैं, आपने जो एक जगह बना रखी है जो भगवान के निमित्त है, वहां पर आप लाल रंग का वस्त्र या लाल रंग का सिंहासन आता है वो आप रखिए, उनके ऊपर आप प्रतिमा देवताओं की लगाने से आपको अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण और श्याम जी के आप पीले रंग का वस्त्र नीचे पहना सकते हैं, चौकी बना सकते हैं, इससे आपको अच्छे पुण्य की प्राप्ति होगी। आप ये 10 मूल मंत्र याद रखिए, इससे आपको काफी वृद्धि होगी, आपकी काफी बढ़ोतरी रहेगी, भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। अगर यह हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।